वेलकम टू अमेजिंग लर्निंग हब चैनल। यदि आप चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब करें तथा लाइक एंड कमेंट करें। आज हम डिस्कस करते हैं शपथ आयुक्त कानून। यदि आप कानून के क्षेत्र में कैरियर बनाना चाहते हैं तो शपथ आयुक्त के रूप में शानदार कैरियर विकल्प चुन सकते हैं। शपथ आयुक्त केवल अदालती कार्रवाई के उद्देश्य से शपथ लेता है और शपथ पत्र प्राप्त कर सकता है। अदालती कार्रवाई की शुरुआत से पहले शपथ आयुक्त घोषणाकर्ता से शपथ लेता है। वे प्रमाणित करते हैं कि उसकी उपस्थिति में ये शपथ को ठीक से प्रशासित किया गया है। वाद पत्र तथा उसके जवाब में जब दायर किया जाता है कोर्ट में तो शपथ आयुक्त से प्रमाणित कराना होता है ये कि इस बात पत्र तथा जवाब दावे के कथन सत्य व सही है और उसकी जानकारी में बनाए गए हैं। शपथ आयुक्त की शिक्षा योग्यता कक्षा 12वीं के बाद LLB की डिग्री प्राप्त करनी आवश्यक है या आप ग्रेजुएशन के बाद भी LLB कर सकते हैं, जिसके बाद किसी को भी एडवोकेट बनने के लिए स्टेट बार काउंसिल में किसी भी वकील के रूप में रजिस्ट्रेशन करवाना आवश्यक होता है। आमतौर पर 3 साल से कम 2 साल से अधिक के अनुभव वाले अधिवक्ता एक शपथ आयुक्त के पद के लिए उच्च न्यायालय रजिस्ट्रार के समक्ष आवेदन कर सकते हैं। यदि रजिस्ट्रार आपके आवेदन से संतुष्ट है तो वे उच्च न्यायालय की मंजूरी के साथ शपथ आयुक्त के रूप में नियुक्ति की जा सकती है। ऐसी आशा है कि आपके लिए ये जानकारी महत्वपूर्ण होगी। थैंक यू।